नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के बारे में आप में से मोस्टली सभी लोग जानते होंगे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है ये दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में किया जा रहा है और इसका एग्जीक्यूशन जो है ये NCRTC कर रही है। आने वाले टाइम में आप लोगों को स्पेसिफिकली दिल्ली में आसपास के रीजन में टोटल 3 RRTS कॉरिडोर जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला जो है वो है दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में, जिसमें कि करेंटली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दूसरा जो है वो है दिल्ली से लेकर पानीपत के बीच में और तीसरा जो है वो है दिल्ली से लेकर अलवर के बीच में। बाकी दोनों हमारे जो RRTS कॉरिडोर हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे जो आप बोल सकते हैं कि DPR वगैरह का जो काम है और इसके अलावा जो बैकेंड के काम रहते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो है इसका एग्जीक्यूशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो फाउंडेशन स्टोन है ये 2019 के अंदर रखा गया था और इस साल 2023 के अंदर इसका पहला प्रायोरिटी कॉरिडोर साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अभी तक ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ये कितना कम्प्लीट हो चुका है और आने वाले टाइम में हम लोगों को ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कब तक पूरी तरह से कम्प्लीट होता हुआ दिख जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको ज़रूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में ये जो RRTS कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये हमारे देश का पहला RRTS कॉरिडोर है। इसके पहले कभी भी हम लोगों ने इस तरह का प्रोजेक्ट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं किया है। देखिए दोस्तों, RRTS कॉरिडोर की जो मेन USP है वो है कि आप लोगों को इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है ये हायर स्पीड पर देखने के लिए मिलेगा। मेट्रोज जो है वो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये जो RRTS ट्रेन्स हैं इनके ट्रैक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये 180 KMPH की जो स्पीड है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। हालाँकि ऑपरेशनल स्पीड जो है ये आप लोगों को 160 KMPH की देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी रीजंस आ जाते हैं। इसके बाद में जो हम लोगों को एवरेज स्पीड देखने के लिए मिलेगी है तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की देखने के लिए मिलने वाली है। अब ये जो 82 किलोमीटर का पूरा सेक्शन बनने वाला है दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में, एज ऑफ नाउ 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन था गाजियाबाद के अंदर, जिसको साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में बनाया गया है। इसको रिसेंटली 20 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसके बाद में 21 तारीख को यहाँ पर पैसेंजर ऑपरेशन जो है ये भी पूरी तरह से शुरू कर दिए गए हैं। अब ये जो 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन ओपन किया गया है इसके अंदर आप लोगों को टोटल 5 स्टेशन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से पहला जो है वो है साहिबाबाद, दूसरा जो है वो है गाजियाबाद, तीसरा जो है वो है गुलदार, चौथा जो है वो है दुहाई और इसके बाद में आता है दुहाई डिपोट। और दुहाई डिपोट में ही हमारी RRTS ट्रेन्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं, जिनको अभी नमो भारत ट्रेन्स भी कहा जाता है। और इन ट्रेन्स की जो डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट है ये पूरी तरह से एल्स्टॉम के द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो 82 किलोमीटर का पूरा सेक्शन बनाया जा रहा है दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में, इसमें आप लोगों को कुल 25 स्टेशन जो है ये देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 3 स्टेशन जो हैं ये आप लोगों को दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे और इसकी शुरुआत होने वाली है सरायकाले खां से। इसके बाद में आप लोगों को 8 स्टेशन जो हैं ये गाज़ियाबाद में देखने के लिए मिलेंगे और बचे हुए जितने भी स्टेशन हैं ये आप लोगों को मेरठ के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक बार ये पूरा सेक्शन बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद में आप लोगों का दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में जो करंट ट्रेवल टाइम है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे के आसपास का आता है, लेकिन ये कम होकर सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा। हालांकि टू बी प्रिसाइज बताया जाए तो अथॉरिटीज़ क्लेम करती है कि 40 से 45 मिनट में आप लोग दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच का यहाँ पर जो ट्रैवल है या फिर जर्नी है इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टारगेट लिया गया है वो लिया गया है 2025 का, कि 2025 तक इस पूरे कॉरिडोर को हम लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर स्पीड पर काम चल रहा है वैसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हम लोगों को 2024 के एंड तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो काम है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और हाउसिंग अर्बन अफेयर हैं, यानी कि जो यहाँ पे कुशल किशोर जी जो हैं, इन्होंने रिसेंटली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है इसके बारे में बताया था राज्यसभा के अंदर। अब इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है इसने इसकी फिजिकल प्रोग्रेस जो है इसको 67.3% अचीव कर लिया है और फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है ये 60% अचीव कर ली गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग फाइनेंशियल प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो सेंक्शनड कॉस्ट है वो है 30,274 करोड़ रुपीस की, जिसमें से अभी तक 18,160.81 करोड़ रुपीस जो हैं ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं या फिर इनकर किए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि UP गवर्नमेंट जो है इसने भी NCRTC को अप्रोच किया है, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे हैं कि गाज़ियाबाद से लेकर नोएडा के बीच में हम लोगों को एक नया यहाँ पे RRTS कॉरिडोर
जो है, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पर रूट जो है वो देखने के लिए मिले, क्योंकि भाई वहाँ पर नोएडा में एक जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में हमारे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट रहने वाला है। तो ऐसे में वहाँ पर भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग करी जा रही है, जैसे कि पॉड टैक्सी वगैरह भी आप लोगों को वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि ये जो हम लोगों को एक नया कॉरिडोर देखने के लिए मिलेगा गाज़ियाबाद से लेकर नोएडा के बीच में, इसमें हम लोगों को क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी और क्या कुछ फ़ायदा हम लोगों को इससे देखने के लिए मिलेगा। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी हम लोग बात करेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो की, जिसमें हम लोग नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।